नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन B6 की। उसे पाइरिडॉक्सिन भी कहा जाता है और पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट 5 की तरह वो एक्टिव होता है। B6 डेफिशिएंसी अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें डायबिटीज़ हो, प्री डायबिटीज़ हो, जिनको लिवर डैमेज हो, फैटी लिवर हो, या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आपने कराई हो, या आपके गट में कोई स्कार टिश्यू हो, या जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं। B6 का काम है न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाना, जैसे कि गाबा है, डोपामिन, एड्रेनलिन और बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, सबसे पहले स्किन, आपको डर्मेटाइटिस हो जाता है, उसके बाद में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स आपको होते हैं, PMS जो औरतों को होता है उसका कारण भी B6 डेफिशिएंसी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो B6 एग्स में है, वेजिटेबल्स में है, बहुत सारे खानों में है, लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है फिर आपको B6 लेना पड़ेगा। आपकी आंखें जैसे लाल रहती है हमेशा, प्री डायबिटीज़ की निशानी है। ग्लूकोज टॉलरेंस जिनका कम है उनको भी B6 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो B6 आपको ऑनलाइन या अमेजोन किसी भी जगह मिल जाएगा, 100 mg पर डे आपके लिए इनफ होगा। B6 के साथ अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो B6 के साथ B2 और जिंक ज़रूर लीजिए, जो ट्रेस मिनरल है, और देखिए देखते ही देखते 2-3 हफ्तों में आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, आपको रिलीफ फील होगा। तो जो हमें सिम्टम्स होते हैं वो डिसीज़ नहीं होते हैं, उनका कारण अगर रूट कॉज एक विटामिन डेफिशिएंसी है तो पहले उसे क्लियर कीजिए, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा ये मेरा विश्वास है। आगे की वीडियो तक आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।